जनपद गोंडा थाना कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को राजेश श्रीवास्तव, धनेश्वर शुक्ला और मंटू पासवान को एटीएम से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक बोलेरो जिसमें बैठकर के अपराध करते थे और एक पुलिस की पिकअप और एक पुलिस का फर्जी परिचय पत्र प्राप्त हुआ है। इनके संबंध में जैसा कि कैनरा बैंक के मैनेजर जिनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था 457/380 का कि हमारे एटीएम से छेड़छाड़ करके कुछ लोग पैसा निकाल ले रहे हैं, तो इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और जांच पड़ताल में ये क्रम निकल कर आया कि ये तीनों लोग एक बोलेरो में बैठ करके एटीएम चेक करने के नाम पुलिस बन करके एटीएम चेक करने जाते हैं और वहाँ पर मौका मिलते ही दिन या रात के समय उसमें जहाँ से पैसा निकलता है वहाँ पर एक लोहे की पत्ती इंसर्ट कर देते हैं और उस जिसकी वजह से जब कोई आदमी एटीएम से पैसा निकालने जाता है तो उस पैसा बाहर ना निकल करके वहीं फंस जाता है। बाद में कुछ समय मौका मिला करके निकाल करके बाद में जाते हैं तो फिर वो पैसा अपना उसको फिर पट्टी के माध्यम से कलेक्ट कर लेते हैं। इस संबंध में जो अभियोग पंजीकृत किया गया था, जांच पड़ताल की जा रही थी। जो एटीएम में पैसा भरने वाली जो कंपनी थी यहाँ लोकल, उसके द्वारा भी शिकायत की गई थी। आज ये पुलिस के द्वारा इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम न्यायिक कार्रवाई की जा रही है।